शिविर से मुख्यमंत्री जी से संतों से यजमान पत्र प्रार्थना करूंगा प्रहलाद जी आप दिन के लिए अजय कमता जी कि आप सब लोग आए और बाबा केदार धाम मंदिर का जो है भूमि पूजन करें। गोपाल मणि जी महाराज से भी सर्वप्रथम निवेदन है कि आप भी सम्मिलित भाई वहां देखो भाई भाई सुनो देखो हम मैं कर दो थोड़ा थोड़ा पीछे होगा फोन वाले भाई साहब आप आगे आ जाओ भाई साहब फोन लिया जाए तो यंत्र की ऊंचाई में आप संकल्प
सुनाई दिए खड़े रखिए। Oh,
दामी जी वो देने वाले हैं ये आज जो हमारे देश का विकास करता है। ये कौन सा पौधा है ये बता देंगे जैसा तुलसी का इधर सा। तो जिस प्रकार से तुलसी पवित्र होती है आज धामी जी को ये देने वाले हैं ना, उनके घर में भी पवित्रता है। शिक्षा बैंक के थ्रू। किसके बैंक के थ्रू? शिक्षा बैंक के थ्रू। शिक्षा बैंक के थ्रू एनजीओ है जो कि पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में चाहती है कि जितनी भी डिमोटलाइजेशन हो रही है, जितने भी हम धाम काटते जा रहे हैं, उनमें हरियाली से हरियाली बनती चली जाए। जैसे देवभूमि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हम चाहते हैं कि जहां से जोशीमठ है, जोशीमठ में जिस तरीके से हमारा वो रेजिडेंस है वहां पर, उसको हटा के वहां पर पहले की तरह जोशीमठ हो जाएगा। जिस दिन उस जोशीमठ को कुछ नहीं हो पाएगा। सर आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में हरियाली उस तरह से यहां पे भी रहे। हाँ, बिल्कुल। हम दिल्ली के अंदर 2 लाख से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं अभी तक, और वैसे हमारे जीवन में भी हरियाली होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब हरियाली होगी, तभी तो ये शुद्ध पौधा है, ये देव पौधा। बिल्कुल सर, पवित्र से तुलसी माना जाता है। पीछे थोड़ा सा भैया आगे चढ़ जाओ, आगे चढ़ जाओ, आगे चढ़ जाओ, आगे दे दो, आगे चढ़ जाओ भाई। सुनो सर, हर दिन हरियाली, थोड़ा सा पीछे हो जाओ सर, उस साइड हो जाएंगे, उस साइड हो जाएंगे, साइड प्रोग्राम
तो यहाँ से प्रसाद मिल रहा है, तो किस प्रकार से प्रसाद दिया जा रहा है यहाँ पर। काफी पब्लिक, काफी क्राउड है और लोगों को यहाँ प्रसाद दिया जा रहा है बड़े प्यार से, और देखे जाए सेवा को यहाँ मौका दिया है और बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और ये कॉफी कौन सी संस्था से आप करवा रहे हो, कुछ संस्था दिया या मतलब क्या ये से कर रहे हैं आप? केदारधाम तो है लेकिन ये कौन वितरित कर रहा है, ये प्रसाद कौन करवा रहा है जो भी आपसे मंदिर की मंदिर की ट्रस्ट कौन सी ट्रस्ट है बताएंगे जरा साहब? ये श्री केदारनाथ धाम है और सुरेंद्र गांधी जी के द्वारा ये इसका निर्माण हो रहा है। तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर ये प्रसाद को वितरित किया जा रहा है, काफी लोग यहाँ पर प्रसाद का आनंद ले। और क्या क्या प्रसाद में वितरित कर रहे हैं बताएंगे जरा सभी आप? लड्डू और एक मट्ठी। देखिए जो हमारे गांव का ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं कि भैया प्रसाद में भी मट्ठी लड्डू और सब चीज दिया जा रहा है, तो बहुत शानदार चीज है। और भैया आपने काफी अच्छी चीज कर रहे हो यहाँ पर, सभी लोगों को दे रहे हो। अभी मेरे साथ यहाँ प्रसाद के साथ पूरी प्रसाद का भी भोजन का वो रखा हुआ गया है, भंडारा पीछे चल रहा है, तो काफी यहाँ श्रद्धालु लोग आते आ रहे हैं। कुछ यहाँ जो हमारी पुलिसकर्मी है उन्होंने भी काफी सहयोग यहाँ पे दिया है और मैं चाहता हूँ इसी तरह से ये सहयोग देते रहे हमारे भी कार्य हुए, और इनका भी बड़ा सबसे बड़ा दायित्व होता है। और जिस प्रकार से हाँ जी बिल्कुल, और यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से पब्लिक आती आ रही, भीड़ यहाँ पर दिख रही आ रही है। और पब्लिक यहाँ पर देखिए हमारे एक है जो हजरत महादेव कहकर अपना हर हर महादेव भी मतलब केदारनाथ का एक वो भी ले लिया है, तो उससे बातें करते थोड़ा सा। तो आप लोगों को प्रसाद लेकर कैसा लग रहा है भैया, पहले बताइए? बहुत ही सुंदर नजारा है ये। और क्या ये क्या लिया आपने ये बताइए, क्या चीज प्रसाद तो लिए साथ में क्या लिया इसका भी बारे में बताइए, क्या चीज है ये? अच्छा चलो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है आपको ये भी मिला, ये आपका सौभाग्य है जो आपको इसी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, अच्छी बात है। बोले जय केदारनाथ, जय केदारनाथ महादेव। तो अभी तो क्या था हमने भंडारे की जो प्रसाद जो यहाँ पर किया है, अब दिखाते किस प्रकार से यहाँ पे भंडारा बांटा जा रहा है, कितने लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। कम से कम 5 से 10 हजार लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे भंडारा दिया जा रहा है। ये भैया भैया आपका शुभ नाम जान सकते हो क्या मैं? अतुल कुमार। अच्छा अतुल कुमार जी आप क्या दे रहे हैं बताइए? तो ये पूरी प्रसाद दे रहे हैं और हमारी दीदी भी यहाँ खड़ी है। क्या सिस्टर आप क्या कर रहे हो बताइए, पहले मुंह ढको मत दीदी, बता दो शर्मा मत, यही तो अच्छी बात है। क्या दे रहे हैं आप दीदी बताइए? आलू की सब्जी और साथ में हलवा दे रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ भी देवों का स्थान होता है वहाँ ये प्रसाद हमेशा मिलता है। तो आइए और दिखाते हैं किस तरह से हमें लोग यहाँ प्रसाद लेते जा रहे हैं और काफी भीड़ नजर आ रही है। इस प्रकार देखिए हलवा दिया जा रहा है, प्लेट में दिया जा रहा है और पूड़ी का भी दिया जा रहा है। पूड़ी भी भैया पूड़ी की 4 पूड़ी मिल रही है और साथ में दिए जा रहे हैं बहुत शानदार जो हमारे प्रसाद के माध्यम से माने तो आलू की सब्जी। और यहाँ पर हमारे जो भाई बंधु हैं लगे पड़े हैं और ऐसी सेवा इनको मिली है तो वो अच्छी बात है, ऐसी सेवा मिलती रहे। और केदारनाथ बाबा का एक बार लगा दे भैया, एक बार केदारनाथ बाबा के बोल दिया जय केदारनाथ बाबा। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर देखिए पानी भी पिए जा रहे हैं, खाए भी जा रहे हैं, पानी का भी मजा ले जा रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा सा पूछ रहे हैं कैसा लग रहा प्रसाद आपको? आनंद है, प्रभु का आनंद हो रहा है ना यहाँ पे? क्या बात है माता बहने, हमारी ये दिखता है हमारा पहाड़ है भैया, ये नजर आता है कि भूमि पर बैठ के खाना प्रसाद, तो यही हमारा पहाड़ की संस्कृति हमें सभ्यता समझाती है कि जो बंदा भूमि पर बैठ के खाए तो प्रसाद का आनंद अलग ही होता है। तो यहाँ पर अलग बहुत से लोग हैं जो बरातों की तरह खाना खाते हैं, हाथ में लेकर खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत एक आनंद है। लेकिन कुछ हमारी जो महिलाओं ने आज बता दिया कि पहाड़ में कैसे खाते हैं, अरे वाह यही चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बड़े क्या ये गोलगप्पे से शानदार हो रहा है, नहीं हो रहा है बताइए पहले, है चटपट चटपट में हरा है। चलिए किस प्रकार से देखिए खा रहे हैं और अच्छा लगता है, बहुत शानदार यहाँ प्रसाद खा रहे सभी लोग। और मुझे लगता है वहाँ एक भीड़ लगी है, वहाँ भी जरा भीड़ को देखते हैं किस प्रकार की भीड़ है। तो यहाँ पर खाए जा रहे हैं बहुत, अरे 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 वाह अरे वाह, आज तो पूरी खा के ही छोड़ेंगे भैया, प्रसाद में जो आनंद है बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को प्रसाद, कैसा लग रहा है? चाय शुगर 500 बजाए भोले बाबा का प्रसाद खा के जाएंगे, क्या बात है, यही चाहिए प्रसाद खाइए। फिर ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलेगा, पता नहीं फिर कब कौन सा जब मंदिर मिलेगा, पर भंडारा ही भंडारा होता रहेगा यहाँ पर। भाई यही तो आप यही तो चाहिए कि वीडियो बनाते रहो देखते रहे आप है। तो चलिए दिखाते हैं, और यहाँ पर भी लेन लगी है महिलाओं की, पता नहीं कौन सी दर्शन मिलने वाले हैं। अभी तो केदारनाथ जी का मंदिर ही बना लेकिन दर्शनों की लेन यहाँ बना दी है, तो किस चीज का दर्शन हो रहा है? भोले बाबा का दर्शन रह गया, सब कुछ हो गया, सारा काम खत्म हो गया, तुम पीछे आ रहे हो, क्या बात है? अच्छा कलश लेने जा रहे हो अपना, भैया जो लेके गए वो वापस घर भी तो ले आ रहे हैं, हाँ घर वो भी प्रसाद जरूर भैया, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और जी क्या आप भी कलश लाए थे? अच्छा कलश का नंबर क्या आपका, कैसे पता लगा वहाँ सारे कलश है? अच्छा टोकन दे रखा है, अरे वाह वाह ये तो बड़ी शानदार होगी, ये माता जी कैसे खा रही है, देखो बड़े प्रसाद कैसे अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे कलश वाली महिलाएं, मैं समझा प्रसाद वाली महिलाएं जो भंडारे के लिए लगी पड़ी है, तभी कहो भंडारे के लिए खाली क्यों है कि नहीं? चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे महिलाएं कितनी सारी लेने हैं यहाँ पर, और कितनी आस्था भावना औरतों के अंदर नजर आती है, क्योंकि भोले को मनाने सारी महिलाएं आई हैं, माता बहनें आई हैं और सारी देवियां हैं, एक तरीके से सारी देवियां हैं
जो देवी आज कलश अपना जो लेके आई थी वो वापस ले जाने वाली है ना, जो कलश छूट गया ना आपका, छूटना नहीं हमारा यही है। टोकन मिला आपको, कहाँ टोकन दिखाइए। अरे टोकन छुपा के रखा भैया, इसमें ये ध्यान रखना जिसका टोकन निकलेगा उसको इनाम भी मिलेगा, ध्यान रखना। ये टोकन नहीं तो सवाल के इनाम वाला टोकन है ये तो ठीक है। अरे वाह इनका तो लकी नंबर है, आपका नंबर वहां से अपना टोकन लिए फटाफट लेके जाए, इनाम लेके जाइए। तो ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर टोकन की मिलने लगी है, यहाँ पर लोगों को पसीना आ रहे लेकिन टोकनों को संभाल के रखा है। प्रसाद नहीं खाएंगे, पहले कलश लेंगे क्योंकि कलश के लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी वेटिंग जरूर है, तो पता नहीं कितना टाइम अभी और लगने वाला है कलश के लिए। तो जैसे कलश का टाइम होगा तो तुरंत यहाँ से लाइन चालू हो जाएगी पूरी, यहाँ से लेकर वहां तक। ये कहा गया था कि 5,000 औरतों ने कलश उठाया था, ये सच्ची बात है क्या? सच्ची बात है, लेकिन मुझे तो यहाँ 5,000 लग नहीं रहे। अच्छा आधा भोजन या अच्छा सत्संग सुन रहे, क्या बात है भैया, जय हो भोले की। कैसे हैं आप सर? सर कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। और कैसा आनंद का माहौल बना हुआ है? तो ऐसे चाहता है कि बाबा यहाँ आए, केदारनाथ तो खूब घूम लिए, अब बुराड़ी क्षेत्र में भी आए, तो इसका नाम भी होने वाला केदारनाथ। सुनने में आया कि केदारनाथ होने वाला इसका नाम भी, तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, आपका बुराड़ी क्षेत्र अब केदारनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी बहुत शानदार बहुत बेहतरीन, ये भी चाहते हैं। देखिए ये माता बहने झंडा नहीं छोड़ रही, चाहे वैसे कलश छूट जाए लेकिन झंडा नहीं छूटना चाहिए, है कि नहीं? झंडा नहीं छूटना चाहिए भैया, आन और बान हमारा झंडा ही है, ठीक है। हाँ जी क्या बोलोगे? अभी तुमने खाया नहीं प्रसाद, जब खाओगे प्रसाद जब खा लिया तभी तो आवाज नहीं निकल रही। एक बार हर 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 हर, क्या बात है भैया, जान शरीर में अभी प्रसाद भी खा लेना तुम्हारा, कमजोरी होगा तुमसे सारे कम। हाँ जी क्या जी क्या दिखाना है तो बोलो एक बार, हर हर महादेव। आवाज नहीं है, ये प्रसाद नहीं खाया तुमने अभी लग रहा है, प्रसाद नहीं खाया, खा लिया प्रसाद, ये बात तेज की बोलो, हर 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 हर, क्या बात है ऐसी। हाँ जी आप भी लोग बोलिए हर हर हर, रोटी नहीं खाई आपने, पूरी खा गया बोले हर 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 हर, क्या बात है। इसी तरह से लोग कितने यहाँ पर जुड़े हैं, और मैं चाहता हूँ किसी प्रकार से सभी लोग आस्था और भावना में रहें और प्रभु के नाम का उच्चारण करें। और काफी मेला यहाँ पर आज कलश लेना है, जो कलश ले। हाँ जी लेन तोड़ दे, लेन तोड़ दो, लेन तोड़ दो, सब तोड़ दो, इधर से तोड़ दो, लेन में लगाऊंगा जो पीछे आरोप से पीछे वही लगूंगा, ठीक है। महादेव क्या बात है, बोलते रहिए हर 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 हर। भैया हलवा देव मत कहना, कोई क्या हलवा देव, यहाँ हलवा जा रहे तो ठीक है। हर 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 हर, नहीं अभी हलवा नहीं खाया लग रहा है, हलवा नहीं खाया, बोले एक बार तेज की हर 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 हर, क्या क्या दे, ये तो मांग रहे दे दे कर रही है, हर हर क्या दे, हर हर ठंड में तुम बैठो या पसीने सोख रहे हो, चलिए हर 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 हर, क्या बात है। ये सारी लाइन जा रही है, हम चलते यहाँ पर काफी चीज हमने दिखाई, ये माता जी अलग से बोल रही है हर हर महादेव, यही चाहिए हमारे को, क्या बात है बुढ़िया अभी बोलने के बाद, क्या बात है ये तो चाहिए। और माता जी को क्यों छोड़ दूँ फिर, बोलिए हर हर महादेव, एक हाथ से सभी कर रहे आप, दो हाथ से क्यों, मतलब दोनों हाथ से मांगना चाहती है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर काफी आनंद का माहौल बना पड़ा, काफी लोगों ने यहाँ पर लगता है यहाँ पर छोड़ दिया मैंने, यहाँ बोल रहे बोलिए हर 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 हर, क्या बात है अंकल जी आप तो बिल्कुल फसलास हो गए हो, है कि नहीं, चाचा से के रूप बुला लेते हैं, हर 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 महादेव महादेव, क्या बात है, हर 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 हर। अच्छा कैसा लग रहा है खाना, प्रसाद बहुत बात है, एक बार हर हर महादेव बोले, महादेव हर 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 हर, बहुत शानदार माहौल बना पड़ा यहाँ पर। आज लगा कि मैं केदारनाथ आ चुका हूँ, और केदारनाथ की यहाँ पर एक अलग ही एक वाइब होती है, कहते हैं भगवान का जब दर्शन होते ना तो उसका अलग ही एक मंजर होगा जब यहाँ शिव जी का वास हो जाएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, और आप लोग सबसे ज्यादा जुड़ते रहे, यहाँ देखते रहे, और इस तरह बुराड़ी क्षेत्र में आए और काफी आनंद लें जब ये मंदिर बनने वाला है। मंदिर के साथ आपको काफी चीज मिलने वाली यहाँ पर, जहाँ शिव जी के दर्शन मिलने वाले हैं, और शिव जी आपको देने वाले हैं बहुत जल्दी अपने दर्शन, जिस तरह से केदारनाथ में देते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी देने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे डिमांड आई, थोड़ा सा बुला रहे भाई क्या। हाँ जी भैया बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए भैया, कुछ वो आपका वो चाहिए था, मैं हमें चैनल चाहिए यूके पहाड़ी ब्लॉग्स, उत्तराखंड का होता है यूके पहाड़ी ब्लॉग्स, ठीक है। तो काफी अच्छा यहाँ माहौल बना पड़ा, किस तरह शानदार। सर कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ पर, आनंद गौरम करुणा अवतार, बिल्कुल सर, कर्पूर शिव का वर्ण जो है गौर वर्ण का, बिल्कुल सर, कर्पूर गौरम करुणा अवतार, करुणा के अवतार हैं, बिल्कुल भोलेनाथ हैं, जो एक लोटे जल से
प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल साथ, बिल्कुल करुणा क्या होता है, बिल्कुल गौरव करुणावतारम संसार सारम, संसार के सार हैं सारे, बिल्कुल सही बात। भुजगेंद्र हारम भुजगों के इंद्र, नागों के देवता, नागों के राजा, बिल्कुल वासुकी जिनके जिनके गले में विराजमान है, बिल्कुल सर। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, जो सदा बसते हैं हृदयारविंदे, हृदयारविंदे जो हमारा कमल रूपी हृदय है, हाँ जी सभी के कमल रूपी हृदय में सदा विराजमान करते हैं। अच्छा, ऐसे भवम भवानी भवसागर के भगवान, बिल्कुल सर, शिव भोलेनाथ, बिल्कुल भवानी के साथ मैं उनको नमन करता हूँ। बहुत अच्छी बात की सर ने, काफी अच्छी चीज बताई, हमें इसका नॉलेज दिया, तो हमारे लिए भी खुशी की बात है सर। आप जैसे लोग ऐसे रहेंगे तो हम जैसे नए युवा को सीखेंगे, तो धन्यवाद सर। ऐसी लोगों को जागर करें, और इस बात जब ये बुराड़ी में मंदिर बनेगा तो इसको केदारनाथ के नाम से ही उजागर करना, ठीक है ना सर? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, नमस्कार आप सभी को और आपके सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, दादा उन सभी को हम ये कहेंगे कि आप सभी जहाँ पर भी हैं एक बार इस धाम में भी जरूर आए। बिल्कुल सर, और जो मेहनत जो लगन से ये कार्य किया जा रहा है उसको सफल बनाने में आप सभी का सहयोग चाहिए। बिल्कुल, और उस सहयोग को दिल से तन मन धन से हर रूप में इसको सफल बनाना है। और एक बार फिर से आप सभी को हर महादेव। और आपके सभी सर, एक चीज में पूछा जाता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पहले ये बताइए। मतलब कहाँ से? मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ के रहने वाले सर? अल्मोड़ा। तो सर थोड़ी सी उत्तराखंड की बात में थोड़ा सा लोगों बोलोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा देखा उत्तराखंड की भाषा थोड़ी सी हो जाए तो सर मजा आ जाएगा, क्योंकि लोग उत्तराखंड की सुनना चाहते हैं। दिल्ली में तो हर कोई हिंदी बोल रहा है, कोई भी जो जितना हमारे बुराड़ी में, ये बुराड़ी बख्तावरपुर रोड हिरणकी में ये भगवान केदारनाथ धाम बन रहा, सबको धाम आ, ये हमारे एक बड़े सौभाग्य बात सर अब कि हमारे ये मतलब जो हमारा अकेला जो हमारे जो ये ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं जो कुल अब उठा रहो, ये उनका मतलब उनका मनोकामना हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सब आए, इसी की बात है। और ये बाबा केदार हमारे उत्तराखंड में तो यहीं विराजमान, और ये दिल्ली में हम लोगों के लिए अहो भाग्य की बात है, यहाँ भी दर्शन करें और वहाँ भी जाएं दर्शन, ये भगवान केदारनाथ है। क्योंकि अभी मैंने सुना हमारे जो लोग हैं कुछ कहते हैं जो घुन कहते हैं, कहते हैं घुन घुटने में पीड़ कहते हैं, तो इसीलिए मंदिर यहाँ इसलिए बनाया गया है कि आप घुन में पीड़ का भारा नहीं मारे। भोले की कृपा है ना, जब भोले कृपा जब है तो भूले पीड़ा सब दूर सब दूर रहती है। लेकिन अब यह है कि कुछ लोग नहीं जा पाते, जैसे मान लो उनके लिए भी अब यहाँ पर स्थान बन जाएगा तो ये लोग यहाँ भी अपने आस्था पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग परेशान है कि भाई वहाँ नहीं जा सकते, हर इंसान नहीं जा सकता है, तो ये सभी के लिए क्या बात है, क्या बात है। अब नजर आए हरदर महादेव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये बताया, थैंक यू सो मच। तो अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाहते, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? चलिए आपको मैं यज्ञ तप भक्ति शक्ति और भोलेनाथ का साथ वो कभी नहीं हट सकता है। आप अपनी आस्था भावना जगाएं और इस चैनल के माध्यम से आप वो चीज दे सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से ये देखें। मेरा चैनल है यूके पहाड़ी ब्लॉग्स, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें अपने छोटे भाई। थैंक यू सो मच, ओके बाय।